हमारे इस टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको ब्लाउज का बहुत ही सुंदर एक डिजाइन बताएंगे। तो चलिए हम आपको बुकरम की लंबाई और चौड़ाई बताए देते हैं। और हमारे इस टीचिंग नाम से हमारी एक वेबसाइट है, प्लीज आप उसे भी देखें। उस पर आप कपड़े सिलवा भी सकते हैं और कपड़े खरीद भी सकती हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बुकरम की लंबाई और चौड़ाई बताते हैं। 8 इंच चौड़ी है, ये हमने फोल्ड की है, तो इस 4 इंच है अभी ये, तो ये इसे खोलेंगे तो 8 इंच होगी ये। उसके बाद 10 1/2, तो ये 11 इंच होगी। उसके बाद हम इस पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे 2 1/2 इंच पे यहाँ पे, और उसके बाद जितनी हमें गले की लेंथ रखनी है, गले की लेंथ रखनी है हमें करीबन 8 इंच रखनी है। आप अगर इससे बड़ा रखना चाहें तो आप इससे बड़ा भी रख सकती हैं। उसके बाद हम इसे जैसे पान टाइप की शेप देंगे, हम ये देखिए इस तरीके से हम इसे शेप देंगे, ऐसे इस तरह से हमने इसे शेप दी है। ये गोल भी नहीं है और इसे हमने ऐसे हल्की सी यहाँ से ऐसे शेप दी है। और उसके बाद ये देखिए, ये हमने गले की शेप देखी, और जो गले का मार्जिन रखा है वो रखा है हमने 1 इंच का, 1 1 इंच का, ऐसे आप ज़्यादा भी रख सकती हैं, मैंने 1 इंच का रखा है। उसके बाद हमने इसे भी हल्का सा ऐसे ही कर्व दिया है। अब अभी हमें इसे एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे यहाँ से, और फिर बाद में गले को निकाल लेंगे। इसी शेप में बुकरम को कट करना है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए इसी तरह से यहाँ तक इसकी शेप है, यहाँ से भी हम थोड़ी थोड़ी बुकरम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा बैक गला होगा इस प्रकार से। और उसके बाद हम इसे कपड़े पे सिल के और तब इसे हम पलट के बनाएंगे, जैसे हम आपको बताते हैं गला पलट के, और फिर कपड़े से ही फ्लावर बना के तब हम पूरे गले पे, बैक गले पे उन्हें अटैच करेंगे। ये हम आपको सिलते टाइम सारा कुछ बताएंगे। ये देखिए हमने कपड़ा लिया है, जैसे कपड़ा आपके पास कम है तो आप बीच में जॉइंट लगा सकती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना कपड़ा चाहिए। ये कपड़ा तो हमारा सारा बीच वाला कट हो जाएगा, आप ऐसे जोड़ लगा सकती हैं कपड़े में। और उसके बाद हम ऐसे गले को सिल के तैयार कर लेंगे। इस तरह से गले को सिल के तैयार कर लेंगे, यहाँ से इसे इस तरह से शेप देंगे। जिस तरह से हमारा कर्व है उसी तरह से हम इसे शेप देंगे, ऐसे पूरे गले को सिल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे पिन से यहाँ से नीचे से ऊपर तक सेट कर लिया है। उसके बाद और हमने एक कट इसमें लगाया था ब्लाउज में, और एक कट हमने गले में लगाया था पीस सेंटर में, और कट से कट मिला के हमने इसे बीस सेंटर में ही सुई से पिन से सेट कर लिया। उसके बाद हम इसे ऐसे सिलेंगे गले को, इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है ऐसे अच्छे से करके, और तब सिलाई लगानी है ऐसे, सिलाई लगा के फिर हमें ये सीधे कपड़े की तरफ को पलटना होता है। जैसे देखिए ये मेरे उल्टा कपड़ा है और ये मेरा सीधा कपड़ा है, ऐसे मैंने गले को, ये गला सीधा है और ये उल्टा है, तो मैंने गले को सीधा करके उल्टे कपड़े की तरफ को रख के तब मैं इसे सीधे कपड़े की तरफ को पलट के बनाऊंगी। ऐसे इसी शेप में हम पूरे गले में सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए जो मैंने ज्वाइंट लगाया था अब इसे हम कट कर देंगे, और मैंने इसके गले के पूरी राउंडली सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया है। कपड़ा हमें इतना इतना कट करना है कि हम कट लगाएं, सिलाई से दूर कट करना है, सिलाई ना कटे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से कपड़ा निकल जाता है जो हम जोड़ लगाते हैं,
और उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। कट हमें ऐसे कपड़े को सीधा करके तब लगाने होते हैं, क्योंकि इसमें ये देखिए अच्छे से सिलाई का पता लगा है। अगर हम इधर से कट लगाएंगे तो हमारी सिलाई कट सकती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस कॉर्नर पे कट लगाएंगे, सिलाई से दूर सिलाई ना कटे, और फिर उसके बाद पूरे राउंडली पूरे में सिलाई कट लगा के इसे हम तैयार कर लेंगे। और फिर हम इसे सीधे कपड़े की तरफ को पलट देंगे। उसके बाद ये देखिए हम इसे इस तरीके से ऐसे सीधे कपड़े की तरफ को, ये अब हमारा सीधे कपड़े की तरफ को आ गया है इस तरह से। और फिर ऐसे ही इसे सीधा करते जाएंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे हम ऐसे। ये देखिए कितनी आसानी से इसे हम सीधा कर सकते हैं कट लगाने के बाद में ऐसे। सी इधर से भी ये ब्लैक वाले कपड़े को आप चाहें तो इसमें से पाइपिंग भी निकाल सकती हैं, इसमें से अच्छे से पाइपिंग निकल जाती है। मैंने आपको बताया भी है कई वीडियो में कि हम कपड़े में से कैसे पाइपिंग निकालते हैं, वरना आप अलग भी लगा सकती हैं, लेकिन इसमें हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे। हम आपको इसे इसमें फ्लावर बना के तब लगाना बताएंगे। इस तरीके से हम पूरे में इसमें सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने गला बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद जितनी लेंथ मुझे रखनी है मैं उतनी लेंथ रखूँगी। जैसे देखिए मैंने इसकी लेंथ काटी थी करीबन 15 इंच, तो उसके बाद मैं हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ूंगी, जो हम शोल्डर जॉइंट करेंगे इतना मैं सिलाई के लिए छोड़ूंगी। और उसके बाद जितनी मुझे फाइनल रखनी है वो मैं 13.5 इंच रखूँगी इतना। और उसके बाद जो हमारा ये कपड़ा होगा, ये कपड़ा होगा हमारा करीबन 1 इंच है, तो इस 1 इंच कपड़े को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूंगी। और जो हम प्लेटें डालते हैं बैक वाले हिस्से में, आपने देखा होगा प्लेटें डलती हैं दो, तो वो प्लेटें भी डाल के मैं तैयार कर लूंगी। और मैं इसे तैयार करके आपको फिर फ्लावर बनाना और इसमें लेस लगाना बताऊंगी। ये देखिए अब हम आपको फ्लावर बनाना बताएंगे। ये हमने 2 इंच की चौड़ाई ली है और 2 इंच की लंबाई ली है, मतलब हमने ये सारी पट्टियाँ 2-2 इंच की काट के तैयार कर ली हैं। ये देखिए 2-2 इंच की। और उसके बाद हम इस पे आपको फ्लावर बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम 5 ऐसे पीस बनाएंगे, फिर उनको हम ज्वाइंट करना बताएंगे। देखिए इस तरह से हमने कपड़ा एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया, और फिर इस तरह से हल्का सा मोड़ के और इसे ऐसे कर लिया सीधा इस तरह से। ये देखिए यहाँ से ये उल्टा है और यहाँ से ये सीधा है। इसमें 3 लाइन है और उसमें 2 है इस तरह से। अब मैं इसे सिल लूँगी सुई से ऐसे। ये देखिए सिल लिया। और उसके बाद दूसरा वाला भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ऐसे एक तरफ से फोल्ड किया और फिर दूसरी तरफ से किया और फिर ऐसे और इस तरह से। ये उल्टा कपड़ा है और ये देखिए इसमें 3 लाइन है, ये सीधा है। और इसको भी मैं इसी में जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से ऐसे। बाद में हम इन्हें कट करके फिर इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि बार बार हमें धागा कट करना पड़ेगा। इस तरह से मैं इसमें हमें सारे फ्लावर ऐसे ही बनाने हैं इस तरीके से, ना कि तैयार कर लेंगे। हम आपको फिर से बताते हैं। ये देखिए एक बार कपड़ा फोल्ड किया, फिर दोबारा किया और फिर दोबारा करके फिर ऐसे नीचे की तरफ मोड़ा हमने इसको ऐसे, और फिर ऐसे और फिर ऐसे इस तरीके से। ये देखिए और फिर हम इसे सुई से सिल लेंगे। आप चाहें तो कपड़ा इसमें बराबर ज्वाइंट कर सकती हैं धागा,
नहीं तो आप कट कर करके बना सकती हैं, बाद में ये फ्लावर बनेंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम सारे फ्लावर बना के हम आपको फिर इन्हें ज्वाइंट करना बताएंगे। ये देखिए मैंने ये पांच फ्लावर, जैसे पांच फ्लावर से एक फूल बनता है, तो मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर टाइप में बना के तैयार कर लिए हैं। अगर आप इससे बड़े बनाना चाहती हैं तो आप ज़्यादा बड़ा कपड़ा लें। तो अब इन्हें हम आपको ज्वाइंट करना बताएंगे किस तरह से इसमें से हम फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर लिया है धागे से, थोड़ा दूर जो धागा ना कटे। इस तरह से हम इन्हें आपको अटैच करना बताएंगे जैसे फ्लावर बनाते हैं। ये ऐसे करके, और फिर दूसरा फ्लावर लेना है, दूसरे फ्लावर को इस तरह से लगाना है ऐसे, ये देखिए ऐसे, और उसके बाद धागे को ऐसे ही निकालना है ऐसे करके ऐसे, और इसमें से फिर से दोबारा से धागा निकालना है इस तरीके से। ये देखिए ये बन गया। और फिर जैसे ये देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, जैसे ये इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये कपड़ा हमें थोड़ा सा कट करना होता है साथ, जैसे इसमें से हम सारों में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरीके से धागे से अलग। ये देखिए मैंने आपको कपड़ा कट करना बता दिया, इतना कपड़ा हमें इसमें से कट करना होता है। उसके बाद ये फ्लावर हमें इस तरह से अटैच करना है, जैसे हमने दो फ्लावर अटैच कर दिए, उसके बाद ये भी हमें ऐसे ही करके, और तब इसकी शेप बनानी है धागे को इस तरह से निकाल के ऐसे, और फिर इसे ऐसे ज्वाइंट करना होता है। बीच में फिर एक बटन लगता है जिससे ये धागे वगैरह सारे ढक जाएं। बड़ा फूल बनाना चाहती हैं तो आप ये छह बना सकती हैं, जितना बड़ा बनाना चाहें, कपड़ा बड़ा लेना होगा आपको इस तरह से। ये देखिए तीन इसके ज्वाइंट हो गए, उसके बाद ये ज्वाइंट करेंगे हम इसमें इस तरीके से। ऐसे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इस तरीके से ये इसके चार पीस हो गए। पहले हम इन्हें हल्का हल्का सा धागे से हिटका लें, फिर उसके बाद हम इन्हें मजबूत कर देंगे इनकी शेप देके, और इसको भी हम ऐसे ही इसमें ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ से कपड़ा लेके और इसमें ऐसे लगाना होता है। अब इन्हें हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए ये दो पहले हमें सेट करने हैं। ऐसे, और उसके बाद ये ऊपर से धागा निकालना है हमें। ये देखिए हम इसे ऐसे फ्लावर को बना के तैयार कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे शेप देके इसको, और इसी में अटैच करना है। ऐसे, और इसी कपड़े में अटैच करके इसे कोई भी शेप दे सकती हैं आप, गोल दे सकती हैं इस तरह से। एक दूसरे में धागे से इनको अटैच करना होता है ऐसे। ये देखिए यहाँ तक आ गया, और उसके बाद फिर एक दूसरा बनाएंगे ऐसे, और
ऐसे, ये देखिए ये इसकी शेप आ गई। और धागे से इसके से साथ के साथ जोड़ते जाएंगे, आप चाहें तो अलग बना के भी जोड़ सकती हैं ऐसे। ये देखिए, और एक और बनाएंगे हम, एक इसके बीच में आएगा ऐसे, इस तरीके से, और फिर से ऐसे। देखिए अब यहाँ पे एक फ्लावर की जगह और है, इधर को एक और लगा देंगे हम, और उसके बाद इसे धागे से इसकी शेप अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, अब हम इन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे धागे से। जैसे इसकी शेप इधर है तो इसे ऐसे नीचे करके, और तब इसे धागे से ऐसे ऐसे गोल कर देंगे अच्छे से, इधर से भी और ऊपर की तरफ धागा निकाल के। और उसके बाद जैसे हमने ये बना लिया है, उसके बाद हम इसमें ब्लैक कलर का बटन लगा देंगे बीच में, ऐसे बटन को रख के, और इस तरीके से इसे नीचे की तरफ निकाल देंगे ऐसे, अच्छे से मजबूती से हम इसे लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने दो फ्लोवर बना के तैयार कर लिए हैं। हम इनमें ऐसे पूरे, जैसे ये कपड़ा इतना इसकी लेंथ है, इसमें दो फ्लोवर लगाएंगे, और उसके बाद इसमें हम लेस लगाएंगे इस तरीके से। ये हम आपको अभी लगा के बताएंगे। ये देखिए, इसमें मैं गोल्डन कलर की लेस लगाऊंगी। लेस हमें इस तरह से लगानी है, जैसे यहाँ पे हमारी सिलाई है तो एक लेस हमारी इस तरह से आएगी, हमें यहाँ से ऐसे सीधा करके यहाँ तक, और हल्का सा कर्व देना है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से कर्व दे दिया, और दूसरी साइड को भी हमें ऐसे ही, यहाँ से हमारे वो बाजू जॉइंट होंगे तो इतना कपड़ा हमें छोड़ना है इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे हम कर्व के हिसाब से लेस को लगाएंगे, यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अभी हम आपको एक साइड की लेस लगा के बताते हैं। इसमें दो सिलाई लगेंगे यहाँ से, ये चौड़ी लेस है तो इसे हमें इसमें हल्की सी चुन्नटे डालनी पड़ेंगी। चुन्नटे हमें दिखाई नहीं देंगी, ये कि चुन्नट भी डली हुई है इस तरह से, और इसे ऐसे मोड़ देंगे ऐसे, और फिर इसे ऐसे सीधा कर देंगे हम। और फिर इसमें दूसरी सिलाई लगाएंगे हम, क्योंकि चौड़ी है लेस तो इसमें दो सिलाई लगेंगी। ये देखिए, एक साइड को मैंने लेस लगा ली है, मैं दूसरी साइड को लगाऊंगी इस तरह से, इतना गैप देना है यहां से ऐसे ही। ये ब्लैक कलर का कपड़ा हमें थोड़ा सा दिखाना है बस इतना, और यहां से भी मुझे कर्व देना है। ये देखिए, ऐसे ही जैसे मैंने इस तरफ को दिया था, हल्का सा कर्व देना है, हल्की सी
प्लेट डालनी है इसमें, इसी से कर्व आ जाता है। जो चौड़ी लेस होती हैं उन्हें ऐसे ही लगाया जाता है इसी तरीके से। और इस पे फिर डबल सिलाई लगा के मैं इसे तैयार कर लूँगी। जैसे मैं इस तरफ को लेस लगा रही हूँ ऐसे ही इस तरफ को भी लगाऊंगी, इसी कर्व के हिसाब से और इसी शेप के हिसाब से। ये देखिए अब मैंने इसमें लेस लगा के तैयार कर ली है इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। उसके बाद जो मैंने ये दो फ्लावर बनाए थे, ये देखिए गोल्डन कलर का जैसे हमने गले पे लगाया था वैसे हमने इसकी फ्लावर बनाई, जैसे ब्लैक कलर का कपड़ा है उस कलर के हमने इसमें बटन लगाए। उसके बाद हमें बीच सेंटर में से ये फ्लावर अटैच करने हैं इसमें, यहाँ से अटैच करना हमें, ये इसका बीच सेंटर है। उसके बाद ऐसे नीचे से धागा निकालना है ऐसे, जैसे हम बटन लगाते हैं उसी तरीके से लगेगा, और इसे ऐसे सीधा करेंगे। नीचे की तरफ धागा निकाल देंगे जैसे हम बटन वगैरह लगाते हैं उसी तरीके से लगता है ऐसे। देखिए फिर से धागा ऊपर की तरफ लाएंगे सुई को और नीचे की तरफ निकाल देंगे ऐसे, जैसे जितने में फ्लावर लगे हैं उतने में ही हमें गोल करके सुई ऐसे राउंडली पूरे में घुमानी है जिससे मजबूती से लग जाएं। ये देखिए ऊपर की तरफ सुई लानी है और फिर नीचे की तरफ ले जाना है सुई को। ऐसा फ्लावर आप जैसे बच्चों की टॉप बनाते हैं कुछ भी बनाएं ऐसा फ्लावर बना के आप लगा सकती हैं, ये बहुत सुंदर लगता है ऐसे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ तक हमने घुमाई सुई और उसके बाद ये कपड़ा बचा है यहाँ पे भी हमें ऐसे ही सुई को पहले ऊपर लाना है ऐसे इस तरीके से और फिर नीचे की तरफ ले जाना है ऐसे। जैसे मैं ये फ्लावर लगा रही हूँ उसी हिसाब से मैं दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज आपके सामने बनके तैयार है। इसमें हमने ये पलट के गला बनाया था पान टाइप में काट के, तब हमने इसे कपड़े पे रख के फिर पलट पलट के बनाया था और उसके बाद हमने राउंडली पूरे में लेस लगाई इस तरफ को भी और इस तरफ को भी, और ये फ्लावर हमने बना के लगाए हैं इसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने बटन लगाए हैं। अब ये ब्लाउज बन के तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।